इमली, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भारतीय ब्लॉग एंड रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं केला कोफ्ता। जो घर में बच्चे केला आसानी से नहीं खा पाते हैं, उन्हें हम कोफ्ता बना के बहुत अच्छे तरीके से खिला सकते हैं और घर में सभी को पसंद आएगा। तो एक बार सोचा मैंने कि उन्हें ट्राई करूं और आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए केले से एक लाजवाब बहुत ही बेहतरीन स्वादिष्ट सब्जी बनाना शुरू करते हैं। केला कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर लेंगे। कुकर में डालेंगे हाफ चम्मच तेल, फॉर्चून जो भी यूज कर सकते हैं, ये इसलिए डालेंगे ताकि हमें बॉईल करते समय कुकर में उसका जो लासा होता है वो चिपके ना, इसलिए हम ये सरसों तेल डालेंगे। एक गिलास इसमें पानी डाल देंगे और इसी में केला काट के डाल देंगे। तो केले को कट करके आपको अपने हिसाब से जितना बनाना है उतना ले लेना है और कट करके बना लेना है। और हमें केले को आगे से पीछे से कट करके बस ऐसे ही इसको कट करके धो लेंगे और उसके बाद कुकर में डालेंगे। तो चलिए इसे धो लेते हैं। देखिए ढक्कन बंद करके इसे उबाल लेंगे। बस दो सीटी आने तक इसे उबाल के और इसको अपनी प्रेशर में ही छोड़ देना है जब तक इसका खुद से ढक्कन ना खुले। खोल के देख लेते हैं क्योंकि कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है, इसे अपने आप से खत्म होने देना है। और ये अब स्टीम हो चुका है और इसे अब छान लेंगे और छान के ठंडा होने का इंतजार करेंगे। केला हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको छिलके से निकाल देंगे, छिलका इस तरह सभी को निकाल लेंगे। इन सभी केलों को छिलने के बाद इसको अब कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस इसलिए करेंगे ताकि ये हर तरह से एक प्रकार का हो और मैश इसलिए नहीं करेंगे कि उसमें गुठलियां रह जाता है। तो सबको कद्दूकस करने के बाद मिलते हैं आगे। तो इधर कद्दूकस मैंने कर लिया है और कुछ मसाले हम डालेंगे इसमें, जैसे कि ये है मैदा 2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच स्वादानुसार नमक है और 1 चम्मच क्रश किया हुआ काली मिर्च पाउडर है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो इन सभी मसालों को हम उसमें ऐड करेंगे। आप यहाँ मैदा के अलावे बेसन भी यूज कर सकती हैं, दोनों ऑप्शन सही है। मैं यहाँ मैदे से बना रही हूँ। तो चलिए इसको इसमें मिक्स करते हैं। मैदा बाइंडिंग अच्छी तरह से करता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो इधर हम इसको एक लड्डू के आकार का, नींबू के साइज का गोल बना लेंगे। गोल बनाने से पहले इसमें हम तेल लगा लेंगे ताकि हाथ में चिपके ना, और बिल्कुल इस साइज का बना लेना है। सभी को 1 by 1 करके बना लेना है गोल। तो चलिए हमने सभी को गोल शेप का आकार दे दिया है और इधर तेल तो हमारा गर्म है, अब इसमें डालेंगे और इसके गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक बार में जितना आपके कढ़ाई में आ सके उतना तल सकती हैं। इसे हमें डालते ही नहीं पलटना है, 1 मिनट छोड़ देने के बाद पलटना है। तो 1 मिनट हो चुका है, अब आइए पलट लेते हैं। शुरू में नहीं छूना है नहीं तो टूट जाएगा।
अब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा तो नहीं टूटता है। अलटते पलटते हुए हमने इसको ब्राउन कर लिया है। अब ये हमारा रेडी है निकालने के लिए। तो फर्स्ट बैच हम निकाल लेंगे और सेकेंड बैच फिर से फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इसी तरह दूसरा भी फ्राई कर लेंगे। एक मीडियम प्याज लेके कट करके धो करके इसको रफली ग्राइंड कर लेंगे ताकि इससे हमारा ग्रेवी गाढ़ा हो। तो यहाँ पे तेल हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। 2 चम्मच के करीब तेल है, जाएगा इसमें तड़का। जीरा लेंगे 1/2 चम्मच, 2 तेज पत्ता जाएगा और 2-3 सूखी लाल मिर्च, ये तड़का में जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, और इधर हमने प्याज को बारीक नहीं किया है, मोटा सा किया है ग्राइंड, ये भी जाएगा इसी में। इन सभी मसालों को अच्छी तरह भूनते हैं। सूखे मसाले में हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच से भी कम नमक, क्योंकि नमक हमने बड़ी में भी डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच भुना जीरा। तो इन मसालों को हम डालेंगे प्याज में, और प्याज को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। दो मिनट तक भूनने के बाद इनमें डालेंगे ड्राई मसाले। डालेंगे इसमें पानी ताकि मसाला हमारा जल लेना। भूनते हैं 2 से 3 मिनट। तो 5-7 मिनट के लिए मसाले को हमने बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आप कोई भी ले सकती हैं, मेरे पास ये वाली गरम मसाला है तो इसलिए मैंने इसका यूज किया है। आप खड़ा गरम मसाला या घर का पाउडर मसाला ये गरम मसाला कोई भी यूज कीजिए, कोई बात नहीं है। 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे इसको। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और ग्रेवी अपने अनुसार गाढ़ा या पतला रखेंगे और पकने देंगे इसे 2-3 मिनट के लिए, जब तक उबाल अच्छी तरह से ना आ जाए। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब केला कोफ्ता इसमें छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट ग्रेवी पका है, उसके बाद केला कोफ्ता छोड़ देंगे। और इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, 1 मिनट ढक के पका के गैस बंद कर देंगे। केला कोफ्ता हमारा बन के तैयार है। तो एक बार देख लेते हैं, देखिए क्या लज्जतदार कलर आया है। अब आ गया सर्विंग टाइम, सर्व करके दिखा देती हूँ। ये केला कोफ्ता बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है, एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। लीजिए, बनके तैयार है केला कोफ्ता।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।